गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रणव, मिथिलेश, आशिका, शिव, राम भुवन, अलीशा, रवि, सुशील, रोहित, सौरव, गौरव, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? अगर सब कुछ बेहतर और क्लियर है, अगर शुरुआत करें क्लास की। ओम ऋतिक, कमलेश, आकांक्षा, संदीप, धीरज, राम राम भाई सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। सबसे पहली बात याद रखें भाई कि करंट अफेयर्स को जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि बार बार आपके लिए कुछ नए तरीके से लेकर आता रहूं, आपको रिवाइज कराता रहूं। हर महीने एक बार कम से कम रिविजन हो जाना चाहिए आप लोगों का। चलिए भाई शुरुआत करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आज की वीडियो में सर हम अप्रैल, मई और जून के यानी कि तीन महीनों के करंट अफेयर्स के बेहतरीन सवालों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ये एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। आप हर बार टॉप 100 करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आने वाला हूं। लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी मेरे दोस्तों, वो याद रखें सर, इससे पहले भी आप ये वीडियो करा चुके हो जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के तीनों महीनों को करंट अफेयर्स को कराया गया एक साथ। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो RYP YouTube चैनल यानी राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन पर जाकर इस वीडियो को देखकर पहले तीन महीनों को बेहतर बना लीजिए और आज की वीडियो से अगले तीन महीने बेहतर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई पहले क्वेश्चन के साथ, और अब आपको आंसर करना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करते रहिए। और अभी बिल्कुल याद रखिए भाई, अभी यूपी SSSC वीडियो का एग्जाम था सर, हर एक सवाल लगभग आप देखो वहां पर, और मैं बीच बीच में बताता रहूंगा आप लोगों को यहां पर कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो पहले सवाल पर बात करते हैं कि सर यहां पर कि टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो बस याद रखिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? नवीन जिंदल को किया गया। पहले आंसर करेक्ट होगा, नवीन जिंदल को सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पंजाब विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कि कुलपति कौन बनाई गई है? तो पहली महिला वाइस चांसलर यानी कुलपति जो बनाई गई है सर, उनका नाम होने वाला है रेणु विक। ये सही आंसर होगा यानी डी होगा। भारत में नई विदेशी व्यापार नीति 2023 से 2028 तक लाई जाएगी, क्योंकि भारत में कोई भी नीति जो लाई जाती है सर वो 5 साल के लिए होगी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का काम होता है। तो कोई भी विदेशी व्यापार नीति अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है सर, तो ये पीयूष गोयल लेकर आए होंगे, उन्हीं के पास ये मंत्रालय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देश के पहले क्लोन्ड बछड़े का यानी कि काल्फ का यानी कि बछड़ा जो है बेसिकली, गिर नेशनल पार्क आप जानते हैं, गिर की स्वदेशी नस्ल है यहां पर एक, और ये क्लोन्ड जो बछड़ा बनाया गया है आप जानते हैं यहां पर, इसको क्या नाम दिया गया है भाई? तो चलिए राइट आंसर याद रखिएगा सर, इसका नाम रखा गया है गंगा, ये क्लोन्ड बछड़ा होने वाला है। अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि कितने शहर यहां पर कचरा मुक्त हो जाएंगे 2024 अक्टूबर तक? तो याद रखिए सर, 1000 शहरों को कचरा मुक्त करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के जो प्रमुख बनाए गए उनका नाम क्या होने वाला है? तो नासा का एक प्रोग्राम है मून टू मार्स के नाम से भाई, क्लास बिल्कुल चल रही है, लाइव चल रही है भाई, याद रखिए सर अमित क्षत्रिय के नाम से है जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? छत्तीसगढ़ मुख्य जो न्यायालय है वो बिलासपुर में आता है, राजधानी रांची में नहीं आता याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बनाए गए रमेश सिन्हा होंगे सर। WHO द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया गया है? और ये सवाल देखो अब की बार एग्जाम में पूछा भी गया था, जो मैंने वीडियो का एग्जाम कहा तो याद रखना सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि जेनेवा में है, इसने अजरबैजान और ताजिकिस्तान इन दोनों देशों को यहां पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर के 7 आंसर करें भाई कमलेश जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर के बिना आप आंसर आगे पीछे करेंगे। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? रिसेंट के एग्जाम में यह सवाल भी पूछा गया, हम ऑलरेडी इस पर कई बार बात कर चुके हैं सर। तो ये 31वां नाटो का सदस्य जो होगा वो फिनलैंड चुना गया। नाटो जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम का एक मुख्य हेड ऑफिस में वहां पर संस्था है भाई।
अडानी समूह द्वारा हाइफा पोर्ट कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल का है आप जानते हैं, और इसको अडानी ग्रुप के द्वारा लिया गया है। अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो चुनेगा उनका नाम रॉन मलका होगा। किस राज्य की अंजलि शर्मा ने अफ्रीका के अंदर माउंट किलिमंजारो जो है उसको फतह कर लिया और अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस सर वो पहनकर पहुंची थी और पूरी दुनिया ने उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस को देखा है, बिल्कुल भारत की हिमाचल प्रदेश की जो ड्रेस होती है बेसिकली उसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली अंजलि शर्मा जो होंगी वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत ने हाल ही में ग्रीस में जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो कौन होने वाले हैं? ग्रीस में भारतीय राजदूत का नाम क्या होने वाला भाई याद रखो, तो रुद्रेंद्र टंडन होने वाले, जो पहले अफगानिस्तान में रह चुके हैं अब की बार ग्रीस में भारत के राजदूत होंगे। किस राज्य के सुंदरजा आम और गजक को जीआई टैग मिला है? रीवा के आम को, बिल्कुल क्वेश्चन रियल क्वेश्चन एग्जाम में आया सर, बिल्कुल आया मेरे दोस्त। तो और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है सर, ये दोनों मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, याद रखें भाई मध्य प्रदेश हो गए। किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए कालिया सहायता योजना शुरू की है? और इस योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कालिया सहायता योजना जो बेसिकली है किसानों के लिए एक राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है सर, उसका नाम होगा उड़ीसा की राज्य सरकार ने चलाया है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की एक संस्था का नाम है, हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं सर, उसके अध्यक्ष हम अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन जब बात उसके महिला संगठन की होगी अलग से, तो याद रखें इसकी महिला अध्यक्ष भी होती है लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, सुधा शिव कुमार उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे कि हाल ही में ओफेक नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ओफेक 13 है यानी 13वीं बार, ये किस देश का सैटेलाइट है? देखो मैंने बार बार पढ़ाया आपको, ग्योफेन के नाम से आता है तो वो चाइना का है, और ओफेक के नाम से आता है सर वो इजराइल का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है जस्टिस के मामले में? कौन से राज्य को शीर्ष स्थान मिला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग? तो बताइए ये जस्टिस कहां रहा होगा सर, तो जस्टिस के मामले में कर्नाटक जो होगा वो पहले स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी इमारतों को कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 के तहत लॉन्च किया है कि जो इमारतों की छत है उसको कूल रखने के जो तरीके होंगे उनको अडॉप्ट करना जरूरी होगा सरकार राज्यों के लिए, इस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए। तो याद रखिए तेलंगाना की सरकार ने सर कूल रूफ पॉलिसी 2023 लॉन्च की है। हाल ही में बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल जो है मर्चा चावल या मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? बिहार से कहां से बिलोंग करते हैं चावल? तो याद रखें बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है एरिया में वेस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सीएमडी योगशाला कार्यक्रम चलाया है, और इसके तहत सभी शहरों के अंदर जिलों के अंदर गांवों के अंदर और यहां पर योग टीचर्स दिए जाएंगे और योगा सिखाया जाएगा, सीएमडी योगशाला ये कहां का हो सकता है सर? ये एक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया पंजाब सरकार भगवंत मान सरकार द्वारा। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पोलैंड जो कि रशिया का एक पड़ोसी देश भी है और हम जानते हैं सर पोलैंड पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है याद रखना भाई, और पोलैंड ने यहां पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं यहां पर उनको सम्मानित किया अपने ऑर्डर से। यूईएफपीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूरोप में आप देखते हो कि जो फुटबॉल लीग होती है यूईएफपीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है यूरोपियन फुटबॉल लीग, उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखें अलेक्जेंडर कैफरीन जो होंगे। देखो हर बार सवाल बदल जाते हैं सर, ज्ञानी इन्फेंटिनो की बात करेंगे तो ये फीफा के नए अध्यक्ष बने, रीअपॉइंट किए गए, उसी तरह अलेक्जेंडर कैफरीन जो है वो यूईएफए के नए अध्यक्ष बनाए गए। किस अभिनेता ने टाइम्स 100 रीडर पोल 2023 जीत लिया है, यानी लोगों की पसंद के रूप में पब्लिक वोटिंग के रूप में टाइम 100 रीडर पोल जीतने वाला खिलाड़ी कौन होगा, सॉरी माफ कीजिएगा अभिनेता कौन होगा? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा शाहरुख खान ने इसको जीत लिया स्पेसिफिकली मूवी पठान आने के बाद।
माल्टा अपना नया जो वाणिज्य दूतावास होगा, माल्टा देश अपना वाणिज्य दूतावास कहां पर ओपन करेगा? जिस तरह से आपने देखा सर, अभी अमेरिका ने कहा है कि वो अपने दो दूतावास, वाणिज्य दूतावास जिन्हें बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्सुलेट कहा जाता है, भारत के बेंगलोर और अहमदाबाद में बनाएगा अमेरिका। उसी तरह याद रखना, माल्टा देश ने कहा है कि वो अपने कॉन्सुलेट को ओपन करेगा किस, यहां पर चेन्नई के अंदर। कहां पर होगा? चेन्नई में होने वाला है भाई। तो मेरे भाई तेजस, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, आप अपने डाउट्स पूछिए, क्योंकि जब रिवीजन होता है ना तो वहां पर हम स्पीड को फॉलो करते हैं और बिल्कुल आराम से चीजें कवर भी हो जाती है, टाइम भी सेव कर लेते हैं हम लोग। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बशोली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? कहां की हो सकती है सर ये बशोली पेंटिंग, बताइए। यहां पर इसका संबंध एक बशोल गांव से है, बेसिकली वहां की एक पेंटिंग जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। कहां से? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो हम ऑलरेडी इनका नाम जान चुके हैं सर, ये कौन होंगे? कलिकेश नारायण सिंह देव, ये पूरा नाम है इनका, कलिकेश नारायण, याद रखते हैं। हाल ही में एप्पल कंपनी ने, आईफोन निर्माता कंपनी ने भारत का पहला एप्पल केबीसी स्टोर जो बनाया है, एप्पल स्टोर भारत में, वो कहां बनाया? केबीसी का मतलब है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के नाम से। बिल्कुल ध्यान देंगे भाई राजीव, टेंशन ना लो आप। तो यहां पर याद रखिए सर, पहला जो बनाया गया वो मुंबई में हो, पहला कहां पर होगा? मुंबई में होगा एप्पल स्टोर। हाल ही में दुनिया के अंदर सार्वजनिक परिवहन के मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर जहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, ये कौन सा हो सकता है भाई? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छा बताया गया, कहां के? मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट बसेस जो होती है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, यहां पर याद रखेंगे भाई, बेंगलोर का नहीं है सही आंसर। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? भारत का जो फूड कॉन्क्लेव है 2023 का, इसका आयोजन कहां पर किया गया भाई? राइट आंसर करेंगे जल्दी से। फूड कॉन्क्लेव 2023 कहां पर होगा सर? तो इसको आयोजित किया गया हैदराबाद के अंदर, फूड कॉन्क्लेव को। नवीनतम बाघ जनगणना में जो टाइगर सेंसस कराया गया रिसेंटली, भारत में बाघों की संख्या कितनी है भाई? और बिल्कुल याद रखे, भारत में जो टाइगर्स हैं, बाघ हैं, उनकी संख्या कितनी होने वाली है इसके अंदर? तो भाई याद रखे, अभी इनकी संख्या बढ़ गई है भारत में 3167 लगभग याद रखेंगे, यानी 3,3200 के अराउंड में भारत में टाइगर्स की संख्या पहुंच चुकी, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में होंगे और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी अब जो होंगे मध्य प्रदेश में, रिसेंटली सातवां बन रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने त्यान लॉन्ग रॉकेट को लॉन्च किया? यहां पर बस इतना याद करना है क्वेश्चन में, त्यान लॉन्ग रॉकेट जो होगा सर, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई याद रखेंगे, स्पेस पायनियर कंपनी यानी कि ये लॉन्च कर रही है, और ये कहां का होने वाला है सर? तो ये होगा चाइना का, इसका नाम देखकर ही रियलाइज हो रहा है चाइना या जापान का हो सकता है। स्टैंड अप इंडिया योजना को सरकार ने किस वर्ष तक के लिए इंक्रीज कर दिया है? ये योजना 2016 में लाई गई थी 5 अप्रैल को, और इसके तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है बिजनेसेस के लिए, एससी एसटी और महिलाओं को यहां पर, लेकिन इस योजना को फिलहाल 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया, 2025 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया, ये याद रखें भाई। हाल ही में किस राज्य देश के गैया मिशन के तहत अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के सबसे करीब 2 ब्लैक होल की खोज की है? तो ये मिशन आपको याद रखना है, GAIA मिशन के नाम से ने 2 ब्लैक होल की खोज की है पृथ्वी के निकट, और ये कहां का होगा सर? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होगा, ESA का होगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला क्लॉथ बैग ATM कहां लाया गया है? बेसिकली कि आप यहां पर पैसे डालिए 10 रुपए और आपको बदले में एक कपड़े का थैला मिलेगा, एक बैग मिलेगा, उसके आप अपने सामान को, खरीदारी को रखे भाई, सामान को रखे, क्योंकि पॉलिथिन फ्री करना है इस राज्य को, इस शहर को। ये क्लॉथ बैग ATM वाला कॉन्सेप्ट कौन लाया है? हैदराबाद लेकर आया है, तेलंगाना सरकार लेकर आई। LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बनाए गए? LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर, हमें LIC के अध्यक्ष तो याद किए, सिद्धार्थ मोहंती होंगे जो LIC के अध्यक्ष होंगे, लेकिन यहां पर नाम पूछा चीफ रिस्क ऑफिसर, तो कोई नई चीज सीखने को मिले तो उसको लिखते हुए चलिएगा, इनका नाम PC पैकरे होंगे।
बिल्कुल चलिए भाई, पीसी पैक्रेव। भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण किसने लॉन्च किया है? अभी सवाल में आपको याद होना चाहिए सर, डोगरी किस राज्य की भाषा है और पहला डोगरी संस्करण कहां पर होगा? पीडीएफ इसी के कमेंट बॉक्स में मिलेगी मेरे दोस्त, याद रखो सर। ये क्या गया डोगरी संस्करण, यानी जम्मू कश्मीर में जो कि हमारे पहले लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था किरण रिजिजू, फर्स्ट डोगरी संस्करण। मराठा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया है मराठा उद्योग रत्न 2023 का, ये किसे दिया गया भाई? चलिए भाई आंसर करेंगे जल्दी जल्दी यहां पर कि इसे किससे सम्मानित किया गया है। सर नीलेश संभारे होंगे इसका राइट आंसर। अमेरिका के किस राज्य ने गर्भपात तस्करी कानून पर रोक लगाने का कानून पास किया, यानी कि अबॉर्शन ट्रैफिकिंग लॉ पास किया है, और ऐसा करने वाला अमेरिका के 50 राज्यों में से वो कौन सा राज्य होने वाला है जिसने गर्भपात तस्करी कानून पारित कर दिया? इस राज्य का नाम होगा जो कि अमेरिका में आता है इडाहो के नाम से, अमेरिकन के द्वारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नाम से एक अभियान चलाया, आपको बताना है ये कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने चलाया जिसका नाम स्टे सेफ होने वाला है, बताइए। तो व्हाट्सएप के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया है, व्हाट्सएप के द्वारा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? आप जानते हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट जो होगा वो यहां की राजधानी अगरतला में होगा, और याद रखिए भाई इसके चीफ जस्टिस के रूप में कौन चुना गया? तो यहां पर होंगे सर अपरेश कुमार सिंह, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 के अनुसार विश्व में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा होगा? विश्व में ऐसा देश कौन सा होगा जिसकी स्वतंत्रता सबसे कम होगी? भाई मेरे भाई बिल्कुल लेकर आ रहे हैं यहां पर सारे क्वेश्चन मिले एग्जाम में, कोशिश यही रहती है हमारी हमेशा सर, सबसे कम स्वतंत्रता बताई गई है तिब्बत के अंदर, तिब्बत जो कि चाइना में है बेसिकली, तो यहां सबसे कम होने वाला है। किस देश ने ताइवान को घेरने के लिए, ताइवान पर कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ज्वाइंट सॉर्ड चलाया है? और हम जानते हैं ताइवान पर कब्जा कौन करना चाहता है सर, ताइवान पर अपना कंट्रोल चाहता है, कब्जा करना चाहता है चाइना, उसी के द्वारा यह आंदोलन, ये पूरा कैंपेन चलाया गया है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया? ट्रांसजेंडर को ओबीसी, चलिए भाई बिल्कुल कर रहे हैं भाई, कैरियर विल पर वीडियो इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी हमेशा लगातार, जो जो क्लास होती है आपको मिलती है। ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में जल संरक्षण और नदी के कार्यकल्प के लिए कितने विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ साझेदारी की है ताकि युवाओं को अट्रैक्ट किया जा सके और ये क्लीन गंगा जो कैंपेन है नमामि गंगे योजना के तहत उसको बेहतर बनाया जा सके? तो जल संरक्षण करने के लिए यहां पर याद रखें कि 45 यूनिवर्सिटीज ने, 49 यानी 49 यूनिवर्सिटीज ने स्वच्छ गंगा मिशन के साथ साझेदारी कर ली है। चलिए भाई याद रखिए भाई यहां पर अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन में हम बार बार कर चुके हैं सर, और अभी ये इस बार वीडियो के पेपर में भी आया था, और बिल्कुल अभी बात समझे यहां पर, तो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो बनाया गया है सर ये बेंगलोर में होगा, ये बेंगलोर में होगा। किस राज्य की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? ये सवाल भी पूछा गया सेम ऐसे ही बिल्कुल, तो नंदिनी गुप्ता जो इस बार की मिस इंडिया है 2023 की, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये सवाल भी पूछा गया इस बार के एग्जाम में, और यहां पर पूछा गया कि किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये बताया कि समाज सेवा करना, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना, सोशल वर्कर कह सकते हैं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 में जो दिया गया है अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को, जो कि एक समाज सेवक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम में, सवाल आसान बन जाएंगे। यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की गई, और ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहां की गई आपको बताना है, जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस को लेकर की गई। चलिए भाई जल्दी से आंसर करेंगे, तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की गई जो बायोगैस को लेकर, वो कहां की गई होगी सर? तो ये वर्ल्ड लेवल पर जब भी बात होती है तो भारत में देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्य में ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस
वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है कि यह पहली बार होगा जब बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी, याद रखना, जो कि भारत में होगी बेसिकली, और भारत में कहां होगी तो दिल्ली में होगी, तो यह भी याद रखिएगा भारत में कहां पर, दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने अपने पिछले 3 परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया है, देश में जो परमाणु संयंत्र है यहां पर उनको बंद करने का फैसला लिया गया है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है हमारे, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है उनको बंद किया जाएगा, प्लांट्स को, ऐसा करने वाला देश कौन सा होगा? सर ये देश होगा जर्मनी। विश्व में नार्को, सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना है विश्व का? नार्को स्टेट का मतलब है जहां ड्रग्स का कारोबार सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और यहां की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लेन देन जो होता है वो ड्रग्स का होता है। मेरे भाई नोट नहीं करना है, सिर्फ आंसर समझना इसका। तो सबसे ज्यादा ड्रग नार्को स्टेट जो बना है वो सीरिया होने वाला और सीरिया की राजधानी डमास्कस है। हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने बूजी ब्रिज का उद्घाटन करा है और ये किस देश में किया है, क्योंकि इसको बनाने में भारत ने पैसे को दिया है, सहायता की है, और ये बूजी ब्रिज किस देश में होगा जिसे एस जयशंकर जी ने उद्घाटन किया है, तो याद रखें मोजाम्बिक देश में होगा जो कि अफ्रीका का एक देश है। हाल ही में सरकार ने, राज्य सरकार ने कहा के बवन पड़ू बंदरगाह का नाम बदलकर, देखो नाम बदला गया यहां पर एक बंदरगाह का और इसका नाम अब मुलापेटा बंदरगाह कर दिया गया, तो याद ये रखना है सर ये कहां का बंदरगाह है जिसका नाम यानी पोर्ट बदला जा रहा है। तो आप कहोगे सर ये आंध्र प्रदेश में होगा, मुलापेटा बंदरगाह इसका नाम बदला है। डीआरडीओ ने इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। डीआरडीओ हम जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया इंडस्ट्रियल के लिए कि उनको बेहतर किया जाए, किस आईआईटी के साथ मिलकर। तो आपको याद रखना है सर यहां कौन सा आईआईटी होगा जिसने अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात की है भाई। तो क्या लगता है आपको यहां पर आंसर के रूप में? तो यहां पर जो इंडस्ट्री अकेडमी ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वो आईआईटी हैदराबाद के साथ होने वाला है डीआरडीओ ने मिलकर। कौन सा राज्य ग्रीष्मकालीन जल की कमी को पूरा करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला देश बना है, राज्य बना है, ऐसा राज्य जिसने जल बजट लेकर आया वो पहला राज्य कौन सा है? सर बच्चों के लिए बजट लेकर आने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना और जल बजट लेकर आने वाला पहला राज्य बना है केरला, ताकि जल की कमी को दूर किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किस राज्य को? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सबसे बेहतर तरीके से यहां पर इंप्लीमेंटेशन किया गया और यह राज्य है कर्नाटक, पीएम फसल बीमा योजना। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है जिसे हम अजय वॉरियर कहते हैं, याद रखेंगे 2023 का अजय वॉरियर का अभ्यास कहां पर होगा, जो कि 7th सेशन होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक बार इंडिया में होता है सर, एक बार यूके ब्रिटेन में होता है, इस बार जो होगा वो यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन के सेलिसबरी प्लेन में होगा। लेकिन फिलहाल याद रखें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा? ब्रिटेन के बीच। हाल ही में किस देश की मारिया स्टेपनोवा को यूरोपीय समझ के लिए लाइप्ज़िग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मारिया स्टेपनोवा है और इनको ये सम्मानित किया गया 2023 के लिए, तो ये कहां से बिलोंग करती है भाई? तो मारिया स्टेपनोवा जो होने वाली है, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये एक रशियन पोएट होने वाली है, रशिया से बिलोंग करती है। हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित किया जाएगा भारत और किस देश के द्वारा मिलकर, ताकि हम यहां पर एक कॉन्फ्रेंस इनोवेटिव आइडियाज लेकर जो कार्बन इमर्शन है उसको जीरो किया जा सके। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल होने वाला है यह सेंटर, भारत और ब्रिटेन मिलकर इस काम को करने वाले हैं, इंडिया और इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला अंजी खंड जो पहला केबल ब्रिज होगा ये किस देश के अंदर 12 मासी रेल कनेक्टिविटी जोड़ेगा? सर ये अंजी खंड के नाम से जो रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा, पहला केबल रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। कहां पर? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में देश में कितनी रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटर शुरू किए गए यहां पर, ताकि रेडियो कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
लॉन्च किया इसको यहां पर, तो 91 एफएम ट्रांसमीटर को लॉन्च किया गया है। नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में बात करें, ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में, यह सेंटर कहां बनाया जाएगा? नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये सिलवासा में होगा, और सिलवासा जो है आपके पास याद रखे भाई, ये दादर नागर हवेली एंड दमन दीव का हिस्सा है। एक बार मैंने ये क्वेश्चन कराया था और मुझसे गलती से जम्मू कश्मीर हुआ था, मुझे याद है, लेकिन अपनी गलती है तो उसे मान लेना चाहिए और आपको सही बता देना जरूरी है भाई। नमो इंस्टीट्यूट ऑफ, मैंने तब भी उसको बताया बाद में, और नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दादर नागर हवेली दमन दीव के सिलवासा में होगा, ठीक है। चलिए, अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, यानी इमीग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किसे? तो ये होने वाली अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी की हेड बनी है जिनका नाम है नीली बेंदापुड़ी के नाम से, इन्हें इमिग्रेशन अवार्ड दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया भाई गलती है उसे मान लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। जब हम 500 क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो एक दो क्वेश्चन कई बार हो जाते हैं, उसको ठीक कर लेना बेहतर है। आपको बताना है हाल ही में सरकार के द्वारा माइलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया गया है नाफेड के द्वारा, कहां पर? माइलेट्स यानी कि बाजरा कहते हैं बेसिकली सर, ये माइलेट एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि बाजरा का जो सेंटर होने वाला है, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स बोला गया है, आपको याद होगा। तो ये जो माइलेट एक्सपीरियंस सेंटर होने वाला है ये कहां पर होगा? चलिए भाई इसको आंसर करेंगे भाई जल्दी से। तो माइलेट श्री अन्न योजना के तहत आप कह सकते हो सर इसको बनाया जा रहा है, जो माइलेट्स के रूप में होगा, बेसिकली बाजरे के रूप में होगा, और इसको लॉन्च किया गया देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किया गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। LIC के नए MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है सर? तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सर, LIC के नए अध्यक्ष जो होंगे वो सिद्धार्थ मोहंती होंगे। दुबई की एक एयरलाइंस एमिरात एयरलाइंस ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सिस्टम लॉन्च किया है यहां पर, यानी जो आपको चेक इन कराने वाले लोग होते हैं, बेसिकली जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं एयरलाइंस में जाते हैं तो वहां पर रोबोट के माध्यम से होगा चेक इन का काम, और इस रोबोट का नाम रखा है दुबई में सारा के नाम से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सारा याद रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां बनाया जाएगा? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां बनाया जाएगा? कोई बात नहीं भाई, आराम से कवर करें पहले। तो पहला डिजिटल साइंस पार्क जो होगा इसे बनाया जाएगा केरल में, क्योंकि जब भी पहली बात आती है और कुछ भी नया सा लगता है वो केरला हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया इन्होंने कहां पर? तो शिवाजी महाराज जी की चलिए मेरे भाई बताइए जल्दी से, थोड़ा सा कम है, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है यहां पर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक स्टेच्यू मॉरिशस में लगाई जाएगी, मॉरिशस में एक महात्मा गांधी जी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी होगा। हाल में किस IIT ने मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा करने वाला जो ट्यूमर है उसका पता लगाने की बात कही है, कि यहां पर पता लगाया जा सकता है मशीन के द्वारा कि बेसिकली वहां पर कैंसर के लिए जो ट्यूमर कॉज होता है बेसिकली ब्रेन और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिए भाई ऐसा काम कौन सा कर सकता है भाई? तो क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा सर? ये रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है और ब्रेन की IIT मद्रास के द्वारा किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन बना है, यानी जिसने ADB से सबसे ज्यादा लोन लिया हो? अब तक हमारा देश भारत हुआ करता था ADB से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला देश, लेकिन अब कौन होगा बताइए सर? अब की बार जो होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय क्राइसिस में है और लगातार एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, और सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने मिट्टी, चांद की मिट्टी को लाकर ऑक्सीजन निकाली, उस मिट्टी से, उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन को ढूंढ लिया है, सर्च कर लिया, डिस्कवर कर लिया है सर, ये कौन हो सकता है बताइए मुझे? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो सकता है सर? नासा के द्वारा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी के द्वारा ऐसा किया गया। हाल ही में किस स्किन केयर कंपनी लाइनेज ने भारत की आथिया शेट्टी को साइन किया है, याद रखना, यानी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आथिया शेट्टी को, ये लाइनेज नाम की कंपनी ने, ये होगी साउथ कोरियन कंपनी।
हाल ही में किस देश ने LGBTQ विरोधी बिल पास किया है, और यहां पर कहा है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे समलैंगिक यानी सेम जेंडर जो होगा बेसिकली उनके बीच में किसी तरह की शादी या संबंध नहीं होगा, और इस पर इसका प्रचार करने के लिए 20 साल तक की सजा या मृत्यु दंड की बात की गई। तो याद रखना ये जो लेस्बियन गे बायसेक्सुअल के नाम से ट्रांसजेंडर के नाम से होते हैं सर, इनको लेकर युगांडा देश में कानून पास किया गया है। वहीं पर एक देश ऐसा भी है जिसने एस्टोनिया नाम का जिसने इनको यहां पर शादी करने की मान्यता दी है, सेम सेक्स मैरिज कहते हैं जिसे हम, वो पास कर दिया। तो अलग अलग ये दोनों स्थितियां, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, किस राज्य के सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ बाघ मृत पाया गया है। आपको बताना है सर ये सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर होगा, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये उड़ीसा के अंदर होंगे, बेसिकली दो टाइगर रिजर्व मुख्य तौर पर भितरकनिका का, और साथ में क्या होगा यहां पर भाई, मैंने बताया समलैंगिक यानी सेम सेक्स मैरिज जिन्हें कहा जाता है यहां पर समलैंगिक हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कंटास एयरलाइंस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो कंटास एयरलाइंस जो है वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की होती है याद रखे, और इसकी पहली अध्यक्ष बनी है महिला के तौर पर वेनेसा हडसन होंगी भाई। तो नए सवाल सीखने को भी मिलेंगे और पुराने सवालों का रिवीजन भी हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बताइए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर मैं बहुत बार करा चुका हूं, लगातार आपको कराता रहता हूं सर, 161 होगा, 161 नंबर भारत को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इनर लाइन परमिट सिस्टम के तहत फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च करा है, यानी एन बीरेन सिंह का संबंध कहां से है याद रखना है। और ये इनर लाइन परमिट ये होती है कि ऐसे राज्यों के अंदर अगर आप जाते हैं, उन राज्यों के नागरिक अगर आप नहीं है और उन राज्यों में आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं, तो आपको एक तरह से दूसरे देश में वीजा लेना होता है, और अपने ही देश के अंदर कुछ राज्यों में इनर लाइन परमिट होता है वो लेना पड़ता है, उसके बाद आप जा सकते हो। और ये बात सर मणिपुर की हो रही है, जो इस समय काफी ज्यादा मुश्किलों में घिरा हुआ है मणिपुर, और वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम भी हो रही है, बिल्कुल नए मिल रहे हैं और आराम से कवर अप करेंगे भाई। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने मोखा नाम का एक चक्रवात उसको लेकर चेतावनी जारी की थी, यानी अब ये तो पुराना सवाल हो चुका है, रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। तो ये मोखा या मोचा नाम का जो नाम है ये किसने दिया, जैसे अभी विपार जॉय जो रिसेंटली आया हुआ था सर, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, उसी तरह यमन ने इसका नाम दिया था मोखा कहा था इसे, मोखा या मोचा जो भी पढ़े। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, हम ये बात पहले भी कई बार कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर, और ये वीडियो के पेपर का भी सीधा सीधा सवाल था हमारा कि भाई यहां पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए, भारतीय मूल के अजय बांगा बनाए गए। यूजीसी के द्वारा फैकल्टी भर्ती के लिए, यानी कि यूजीसी के द्वारा जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं आप जानते हैं, उनके द्वारा जो फैकल्टियों को रिक्रूट किया जाता है उसके लिए एक सिंगल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या होने वाला है याद रखें। तो यूजीसी के द्वारा जो फैकल्टी भर्ती होगी उसका नाम सीयू चयन पोर्टल यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चयन पोर्टल होगा। कौन सा राज्य ओबीसी सर्वेक्षण करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य बन गया, यानी बिहार के बाद अब यहां पर भी जातिगत आधारित जनगणना की बात की जा रही है, और वो राज्य होगा हमारा बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था कभी, उड़ीसा राज्य बाद में दोनों अलग हो गए और बाद में फिर झारखंड भी अलग हो गया है, तो उड़ीसा के अंदर होगा। भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए एक थीम पार्क बनाया जाएगा रामा लैंड के नाम से, इसे डिज्नी लैंड है दुनिया में वैसे ही रामा लैंड बनाया जाएगा, कहां पर होगा। तो भगवान राम को समर्पित ये जो हो गई कहानी ये होगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर रामा लैंड विकसित किया जाएगा। ग्लोबल शतरंज लीग जो कि भारत के द्वारा कराई गई है इसका पहला संस्करण की मेजबानी किसने की है, ये है तो भारत का ग्लोबल शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग के नाम से, लेकिन इसका आयोजन कराया गया है दुबई के अंदर। तो भारत ने पहला जो ग्लोबल शतरंज लीग है वो दुबई में कराया है। भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि जोगी घोपम नाम की एक जगह पर स्थापित किया गया, ये कहां पड़ती है जगह। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क जो कि एक राज्य के जोगी घोपा नाम की जगह पर बनाया जा रहा है, ये कहां पर होगा सर, ये राज्य आपका असम राज्य होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। हाल ही में किस राज्य ने यहां पर एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात की है जिसका नाम भोगापुरम हवाई अड्डा होगा,
ये भोगापुरम हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में बनेगा सरकार और प्राइवेट कंपनियों के कॉम्बिनेशन से? गलत टिक हो गया भाई, गलत हो गया 82 का, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, गलती से बचना है। ओ सॉरी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया है, सॉरी। तो यहां पर राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा, और मैंने बताया अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में होगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। चलो, भोगापुरम हवाई अड्डा जो बनाया जा रहा है पहला, ये कहां पर होगा? तो यहां पर एक मूलापेटा पोर्ट भी होगा और साथ में भोगापुरम हवाई अड्डा, ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में होंगे। आपको बताना है 36 साल के बाद, कोई बात नहीं, उत्तराखंड ठीक करके उत्तर प्रदेश कर दिया हमने, 36 साल की असाधारण सेवा के बाद, यानी भारतीय नौसेना का जो इंडियन नेवी शिप है, जहाज है, उसको डी कमीशन कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया, INS मगर के नाम से होगा, याद रखिए मगर। बाइडेन प्रशासन ने, यानी अमेरिकन शासन ने, घरेलू नीति सलाहकार के रूप में चुना है किसे, जो भारतीय मूल की होने वाली है, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर कौन चुनी गई? तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में जो चुना गया है, वो किसे चुना गया? तो भाई याद रखें, तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर बनाई गई है नीरा टंडन के नाम से। हमने सारे पॉइंट को याद रखना है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जा रहा है, जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, भारत का पहला विरासत केंद्र, अप्सरा ईयर नहीं होगी भाई वहां पर, याद रखें, तो वो तो स्टूडेंट लॉ यूनिवर्सिटी की है अप्सरा ईयर। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां बनाया जाएगा? चंडीगढ़ के अंदर होगा। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई, अरुणाचल प्रदेश में भारत की सेना द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की गई, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया बुलंद भारत, बुलंद भारत होगा। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल कहां बनाई जाएगी? और अब याद रखिए, भारत से दुबई तक के लिए एक अंडर सी टनल बनाई जाएगी, ट्विन टनल होंगी, और याद रखिए ये अंडर सी टनल के माध्यम से काम होगा, ये बनाई जाएगी मुंबई में, और इसको कनेक्ट किया जाएगा UAE के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट संघ ने नई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए और महिलाओं के लिए टैलेंट स्काउट नाम का कार्यक्रम शुरू करा है, ताकि क्रिकेट में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सके, और ऐसा किया जा रहा है किस राज्य के अंदर? तमिलनाडु राज्य के अंदर। तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने यहां पर टैलेंट स्काउट नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? और डिजिटल हेल्थ कार्ड जो होंगे बच्चों के लिए, इसमें बच्चों की पूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन होने वाली है, ऐसा करने वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक महारत्न कैटेगरी की कंपनी बन गई 2022 के अंदर, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और CM मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन चुनी गई? परमिंदर चोपड़ा को चुना गया। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर संचार के लिए, यानी कि यहां पर कम्युनिकेशन के लिए, अंडर वाटर सेंसर टेक्निक लॉन्च की है? और ऐसे सवाल जो IIT रिलेटेड है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि किस IIT के साथ मिलकर ऐसा किया गया? भाई बहुत आराम से कवर कर लीजिए, पूरी क्लास को एक बार देख लीजिए, तो सर ये IIT मद्रास हो सकता है जिसने अंडर वाटर सेंसर टेक्निक लॉन्च किए कम्युनिकेशन के लिए। नई संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर भारत में कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? याद रखो, तो नई संसद भवन के उद्घाटन स्तर पर 75 रुपए का, क्योंकि आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हाल ही में RBI ने किन बैंकों को मर्ज करने का फैसला किया है? RBI ने यहां पर आपको याद रखना है मराठा कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करने का फैसला किया। भारत का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान यानी टेक्सटाइल फेयर जो होगा, सबसे बड़ा परिधान मेला कहां लगाया गया है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा परिधान मेला जो होगा टेक्सटाइल फेयर, ये लगाया गारमेंट फेयर नोएडा के। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि हिमाचल की राजधानी शिमला में बना हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना रामचंद्र राव जो होंगे हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस होंगे, रामचंद्र राव। हाल ही में किस देश की रॉकेट एजेंसी ने नूरी नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया? नूरी रॉकेट को लॉन्च किया, और मैं आपको लगातार कहता हूं नूर नाम का रॉकेट ईरान का है, और नूरी और दनूरी नाम का रॉकेट जो होगा ये आपके पास साउथ कोरिया का होगा। नूरी रॉकेट को लॉन्च किया साउथ कोरिया ने।
गुची का पहला, गुची कंपनी का पहला ग्लोबल एम्बेसडर जो भारतीय बनाया गया वो कौन होगा? तो भारत की आलिया भट्ट को गुची का पहला ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। बात समझ पा रहे हैं, चीजों को क्लियर कर पा रहे हैं अगर आप या नहीं मुझे एक बार बताइए जरूर, क्योंकि तो मेहनत करने से ही कुछ होने वाला है। और जब तक हम पूरे 250 क्वेश्चन की फाइल है 250 सवाल नहीं कर लेते तब तक आप रियलाइज नहीं कर सकते कि भाई इसमें आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये अप्रैल मई और जून का जब एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, तो मैंने पहले भी 3 महीनों का कराया हुआ है, फिर 3 महीनों का करा रहा हूं, और उसके बाद फिर हम फाइनेंस करंट पर भी बात करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से कवर होगा। एक ब्रांड का नाम है गुची जो आप कपड़े वगैरह यूज करते हो भाई, देखो शूज यूज करते हो। चलिए भाई आगे देखते हैं भाई, भारत का पहला माइनिंग स्टार्टअप जो होगा वो कहां किया जाएगा? भारत का पहला माइनिंग स्टार्टअप कहां होगा? और आपने 100 में से लगभग कितने सही और कितने गलत किए अब याद हो जाएगा भाई यहां पर। तो चलिए पहला माइनिंग स्टार्टअप कहां होने वाला है जल्दी से आप मुझे बताएंगे। पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट जो होने वाला है यानी खनन को लेकर, माइनिंग को लेकर, सर ये मुंबई में कराया जाएगा, मुंबई में होगा। कौन सा राज्य पैदल चलने वालों के लिए वॉकवे और साइकिल ट्रैक के लिए राइट टू वॉक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? राइट टू वॉक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो यह बना है पंजाब, जहां पर सरकार ने राइट टू वॉक करने का अधिकार दिया है। किस कंपनी ने 3 साल के लिए आईसीसी के साथ मिलकर आधिकारिक साझेदारी की है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का साझेदार बन गया 3 साल? अभी ड्रीम 11 दोबारा से उसकी जर्सी का स्पॉन्सर बन गया है, लेकिन आईसीसी ने फिलहाल मास्टर कार्ड कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अभियान के लिए नई लेबोरेटरीज या नई लैब्स बनाई है भारत में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करने के लिए? तो याद रखेंगे आईआईटी रुड़की के द्वारा, जो उत्तराखंड में आता है सर, यहां पर 2 नई लैब्स को अनावरण किया गया। हाल ही में किस देश की लेखिका फातिमा असगर को यहां पर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया साहित्य के लिए, जो कि पहला कैरोल शील्ड पुरस्कार होने वाला है? अब पहला पुरस्कार है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर यहां पर, और पहला कैरोल शील्ड पुरस्कार जो मिला फातिमा असगर को, ये यूएसए की है, अमेरिका की है, याद रखना यूएस की। हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर बनाया जाएगा, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता था, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव कहां रखी गई है हैदराबाद में, और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना राज्य के चंद्रशेखर राव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे समयनिष्ठ एयरपोर्ट के रूप में किसे मान्यता दी गई है भारत के? तो दुनिया का सबसे पंक्चुअल जो एयरपोर्ट बना है भारत के अंदर वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में, हैदराबाद या फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। अरब लीग के अंदर कौन सा देश है जिसकी सदस्यता को दोबारा से शामिल करना चाहते हैं अरब देश में, कि अरब लीग में जो मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है जनरली, उसमें किसको दोबारा से करना चाहते हैं? बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं सर, यहां पर सीरिया को दोबारा से ऐड करना चाहते हैं। 100 दिनों के लिए देश के अंदर आरबीआई ने एक अभियान चलाया है कि हर बैंक में, हर जिले के अंदर 100 लावारिस जमा, यानी कि ऐसे जिनका कोई भी पैसा निकालने वाला नहीं है, एक्चुअल में जब किसी अकाउंट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता सर, उसको बेसिक तौर पर हम अनक्लेम्ड कह देते हैं, लावारिस कह सकते हैं हिंदी में, 100 डेज 100 पेज, कि हर बैंक हर 100 दिनों में कम से कम 100 ऐसे खाते आरबीआई को बताए जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया के अंदर भारत के एक अभ्यास किया गया समुद्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण, यह सवाल को ऐसे पूछ सकता था, समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया है? इंडोनेशिया के बाटम नाम की जगह पर, यह इस बार होने वाला 4th अभ्यास है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है सर कहां पर हो रहा है, इस बार इंडोनेशिया में, एक बार इंडिया में होता है। ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया है? ट्विटर के नए सीईओ क्यों बनाए गए? चल मेरे भाई बात याद रखना, तो लिंडा या केरिनो के नाम से होंगी ट्विटर की नई सीईओ। हाल ही में भारत की पहली, एशिया की पहली, भारत की तो है ही और एज वेल एशिया की पहली सब सी रिसर्च लैब बनाई गई है, तो एशिया की पहली सब सी, समुद्र के अंदर एक रिसर्च लैब बनाई जा रही है, और इसका अनावरण कहां पर किया गया होगा? पहली सब सी रिसर्च लैब बनाई गई है पुणे के अंदर,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। हाल ही में पांडवों के द्वारा निर्मित, यानी पांडवों का संबंध आई थिंक मुझे जहां तक याद आता महाभारत काल से है, और यहां पर एक तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। यह तुंगनाथ मंदिर कहां पर होगा जिसका संबंध पांडवों से होगा? सर चलिए भाई कोई बात नहीं, सर याद रखेंगे, पांडवों से संबंधित होगा तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में सभी पुलिस जिलों में ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ड्रोन से निगरानी कराई जाएगी यहां पर, और यहां की पुलिस को यह ड्रोन की फैसिलिटी दी जाएगी। कहां पर? सब कुछ नए तरीके से शुरू करता है केरला। वायुसेना उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? भारत की वायुसेना के उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित बने हैं सर। आसियान टूरिज्म फोरम की मेजबानी कौन सा राज्य देश करने वाला है 2024 के अंदर? एशियन टूरिज्म फोरम, एशियन आप जानते हैं सर, ये आसियान जो है वो 11 देशों का एक संगठन है जिसका कि हेड ऑफिस इंडोनेशिया के जकार्ता में है। हाल ही में इसके अंदर एक नया देश ईस्ट तिमोर के नाम से या तिमोर लेस्ले के नाम से जो है वो जोड़ा गया है, और इसकी बैठक जो 2024 जनवरी में होगी वो लाओस में होगी। लाओस एक देश का नाम है जिसकी राजधानी है वियंटाइन, ऐसे भी याद रख सकते हो। हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास चलाया गया जल राहत के नाम से, और इसे कहां किया गया? और यह सवाल आपके वीडियो में भी पूछा था सर, और ये हमारी क्लास के ऑलरेडी फाइल में से थे, वहीं से लेकर आया हूं सवाल रिवीजन के लिए आपके पास। संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जो कि असम की जो कि मानस रिवर पर चलाया गया था, बेसिकली याद रखेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 कहां पर किया गया है? इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? जो संग्रहालय एक्सपो होने वाला, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया मोदी जी के द्वारा राजधानी दिल्ली के अंदर। किरण रिजिजू की जगह देश के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए? किरण रिजिजू की जगह देश का नया लॉ मिनिस्टर कौन बनाया गया? तो हम जानते हैं यहां पर होंगे अर्जुन राम मेघवाल। सिद्धरामैया तो कर्नाटक के सीएम होंगे, डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम, और सुखविंदर सुखू जो होंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम। इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो कि हर साल 18 मई को होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसका इस बार की थीम क्या थी, विषय क्या था? और शायद इसी दिन वर्ल्ड एड वैक्सीन डे भी होता है सर 18 मई के दिन, तो याद रखो इस बार का जो था यहां पर वो रखा गया था म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग के नाम से, ये इस बार के म्यूजियम डे की थीम थी 2023 के। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाना है? भारत का राष्ट्रीय म्यूजियम कहां बनाया जाएगा मेरे दोस्त, याद रखो, तो भारत नेशनल म्यूजियम युग युगीन, ये संस्कृत का कोई वर्ड इसके साथ जोड़ा गया है, आपके पास राजधानी दिल्ली में। हाल ही में मिसिज इंडिया 2023 कौन बनी है? मिसिज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करती है, जो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम होगा शनिका लहाने के नाम से, और ये महाराष्ट्र से आती है। मिसिज इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जो कि गोवा में आयोजित किए जाएंगे, जिसका कि मैंने आपको बताया है कि एक शुभंकर होता है बेसिकली मोगा के नाम से, इसमें एक नए खेल को शामिल किया जाएगा, उसका नाम क्या होगा सर? वो नया खेल जो पंजाब का होगा उसे गटका कहा जाता है, पंजाब का। अंतरिक्ष स्टार्टअप 2025 का पहला कमर्शियल स्पेस जो होगा हेवन वन लॉन्च करेगा कौन सा? तो हेवन वन के नाम से यहां पर एक जो वाणिज्यिक जो प्राइवेट होने वाला है, बेसिकली कमर्शियल स्पेस होने वाला है, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी होगी अमेरिकन एक स्पेस कंपनी, और अमेरिका की उस कंपनी का नाम होगा वास्ट स्पेस नाम की। तो वास्ट स्पेस के नाम से अमेरिका की कंपनी होगी जो हेवन वन को लॉन्च करेगी। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू कराया कहां पर? मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश। बिल्कुल आ रहे हैं भाई रिंकी यादव, कमेंट आ रहे हैं संजना, एवरीवन बताओ मुझे भारतीय नौसेना की अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी यानी सबमरीन बनाई गई है, यहां पर 6 सबमरीन है, उसमें 6ठी सबमरीन जो जुड़ी गई उसका नाम होगा वगशीर के नाम से इंडियन नेवी शिप के अंदर।
हाल ही में चक्रवात जो मोखा या मोचा कहा मैंने बताया, और म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन करोना चलाया गया। म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन करोना चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति सारे याद रहेंगे सर। ये भारत ने चलाया था, म्यांमार यानी बर्मा भी कहते हैं उसके पड़ोसी देशों के लिए। बांग्लादेश कहां कर पाएगा ये सारी चीजें? भारत ने चलाया ताकि म्यांमार के लोगों को बेहतर जीवन दिया जा सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराए गए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और उसमें भी हवाई यात्रा से कराया गया है सर, मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा ऐसा काम किया गया है। भारत का पहला ऐसा शहर जिसने एसडीजी प्रक्रिया को मापने वाला बनाया। और याद रखो ये सवाल अब की बार आया था एग्जाम में आपका, जो वीडियो का एग्जाम था मेरे दोस्त, एसडीजी प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल। तभी तो मैंने कहा हर एक सवाल ऐसा नहीं कि आज हो रहा है सर, ये ऑलरेडी हम कई बार क्लासों में कर चुके हैं और यही आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए, भोपाल वाला क्वेश्चन होगा। 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर नाम का जो पेड़ है, ये पेड़ को कहां मान्यता दी गई है, यानी दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना गया है सर, ये चिली देश में होगा जिसे ग्रेट ग्रैंडफादर बोला गया है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र के कितने नए किसान उत्पादक संगठन यानी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, सहकारी क्षेत्र के लिए? ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया था, याद रखना। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं सर, सतत विकास लक्ष्य जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किए थे। 17 लक्ष्य होते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है सर, 1100 एफपीओ बनाए जाएंगे, 1100 फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगे। हाल ही में न्यू इंडिया क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर किसे नामित किया गया है? न्यू इंडिया क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन होने वाला है मेरे दोस्त? तो याद रखना एडिडास कंपनी होगी क्रिकेट की टीम की नई किट प्रायोजक। हाल ही में किस राज्य में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई के अंदर शामिल किया गया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित मॉन्यूमेंट माना है, यहां पर रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माना है यहां पर कपिलेश्वर मंदिर जो होगा ये उड़ीसा राज्य में होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है किस राज्य में, क्योंकि यहां पर एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा ट्राइबल एरियाज और रिमोट एरियाज के लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है झारखंड राज्य के द्वारा, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आने वाला पहला राज्य कौन होगा? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आएगा कौन सा राज्य भारत में? और मैंने बताया ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा इसे, यह होगा हिमाचल प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आएगा। भारत का पहला फुल्ली ई गवर्न्ड स्टेट कौन सा बना है? भारत का पहला पूर्ण रूप से ई गवर्न्ड राज्य कौन सा घोषित किया गया बताइए मुझे? तो ई गवर्न्ड स्टेट जो होगा, ये सब क्लास में स्टडी करवा दिए बिल्कुल भाई, तो आप कहोगे सर ये केरला के द्वारा किया गया है, केरला के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने अपने सरकारी योजनाओं और सेनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए शासन अपल्यदारी नाम की एक पहल योजना शुरू की है, शासन अपल्यदारी, और इसके तहत सारी सेवाएं और सरकारी योजनाओं का बेनिफिट लोगों को उनके दरवाजे तक यानी घर तक डोर स्टेप पर मिलेगा। और इस योजना का नाम देखकर आपको अंदाजा लगाना है सर, नाम से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहां से संबंधित हो सकता है भाई। तो नाम क्या लग रहा है? कुछ कुछ ऐसा फील हो रहा है सर, ये महाराष्ट्र की मराठी भाषा में बोला जा रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? याद रखो, तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन होंगे भाई? आर एन जयप्रकाश होंगे। अल मोहद अल हिंदी 2023 नाम का एक अभ्यास किया गया है, अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में होने वाला है बताइए मुझे? तो आप कहोगे भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में होगा अल मोहद अल हिंदी के नाम से। किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? खैबर कहां की मिसाइल होने वाली है बताइए? तो खैबर के नाम से जो मिसाइल है, खैबर के नाम से एक इस्लाम में एक युद्ध का नाम आता है खैबर के नाम से, और ये मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा होगा सर, ये ईरान में होगा। हाल ही में हैरिस पार्क का नाम बदलकर
लिटिल इंडिया कर दिया गया है किस राज्य में, हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है किस देश में, तो आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये पार्क था, नाम बदल दिया गया। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है रिसेंट में वो किसे दिया गया भाई, याद रखो दामोदर मौजो को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कौन चुना गया है, तो भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बनाए गए उनका नाम क्या होने वाला है सर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होंगे सीवीसी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है, या बताइए मुझे सर, एक्सटर्नल ऑडिटर बनाए गए WHO के जो भारत के CAG भी होंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर भी होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। 2050 तक कौन से देश में, कौन से शहर में शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन हो जाएगा, यानी कि यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कोई कार्बन क्रिएट एमिशन नहीं करने वाला, 2050 तक इसको जीरो कर दिया जाएगा सर, दुबई के सार्वजनिक परिवहन में ऐसी व्यवस्था की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नाम की एक नई पहल शुरू की है AI फॉर यूथ के नाम से, ये कौन सी राज्य सरकार ने की है बताइए मुझे, AI फॉर यूथ के नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के, तो क्या लगता है भाई AI फॉर यूथ के नाम से जो एक पहल शुरू की गई वो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के नाम से। तो कौन सी राज्य सरकार होगी सर, ये उड़ीसा की राज्य सरकार, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टियल में जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो मॉन्टियल के अंदर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसमें भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, याद रखना अंशुमली रस्तोगी होने वाले हैं सर, ACAO के नए में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। स्वच्छ मुख अभियान के तहत महाराष्ट्र ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है अपना यहां पर, तो महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर होने वाले हैं सचिन तेंदुलकर। भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन किया गया, यानी इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया किस राज्य के अंदर, याद रखना है तो इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया मेघालय राज्य के अंदर, मेघालय में। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है, एक्चुअली इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, और मैंने बहुत सारी साइट पर अलग अलग जगहों पर चेक करा, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो IIT मद्रास हो जाता है, यूनिवर्सिटी की बात करें IISc बेंगलुरु हो जाता है, उसके बाद JNU आ जाता है, उसके बाद आपके पास जामिया इस्लामिया आ जाता है नंबर 3 पर। अब क्योंकि यहां पर सवाल के अंदर आप देखो सर IISc बेंगलुरु जो है वो नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और नंबर 2 पर जो आता है वो JNU आता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूप में। अगर एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सर JNU हो जाएगा, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया हो जाएगा यहां पर। तो ये अलग अलग आंसर याद रखें, अलग अलग कैटेगरी के आधार पर होंगे, तो IIT मद्रास इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में नंबर 1 होगा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर किसे चुना गया है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेयर बना है वो कौन है, वो है समीर पांडे, और जहां तक मुझे याद आता है सर इनका संबंध बिहार से कहीं से आता है, लॉर्ड मेयर बने हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को नमो शेतकारी महासन्मान योजना के तहत 6,000 रुपए देने की बात की है, यानी 6,000 रुपए उनको पहले ही मिलते हैं सर PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए यहाँ की राज्य सरकार भी देगी, यानी टोटल अब 12,000 रुपए उन्हें मिलेंगे, ये बात की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा, 6,000 रुपए हर महीने और हर साल और दिए जाएंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एक वित्तीय सहायता योजना मोघारा के नाम से शुरू की है कि इसमें आप 3,00,000 रुपए तक का लोन लेकर अपना घर बना सकते हैं और उसको फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में वापस कर सकते हैं सर, ये उड़ीसा सरकार की एक योजना है मोघारा के नाम से। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है, कौन से राज्य के अंदर ऐसा किया गया सर, अहमदनगर का नाम बदलकर जो अहिल्या नगर किया गया ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में कितने % हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है,
कि हम यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की लगभग कुछ हिस्सेदारी को बेच देंगे और सर ये 3% हिस्सेदारी को सेल करने की बात सरकार कर रही है। 3% कौन सा अस्पताल, कौन सा एम्स जो होगा वो NABH द्वारा यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स के द्वारा यहां पर मान्यता प्राप्त होगा, तो याद रखना पहला ऐसा एम्स होगा जिसका नाम होगा एम्स नागपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर का। कौन सी बीमा कंपनी सरोगेट माताओं और अंडादाता माताओं को कवर करने वाली पहली बीमा पॉलिसी लॉन्च करेगी, क्योंकि अब बात आप देख रहे हो भारत में भी ये सरोगेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलने लगा, तो सरोगेसी को लेकर यहां पर बीमा पॉलिसी लेकर आई जा रही जिसका नाम एगॉन लाइफ कंपनी होगा। इसके COP28 की सलाहकार समिति में कौन शामिल किया गया भारत की तरफ से, आपको याद रखना है सर जलवायु संकट के लिए जो COP28 होगा जो कि 2023 में UAE में होगा, इसकी सलाहकार समिति में भारत के मुकेश अंबानी को भी शामिल किया गया है। हाल ही में अरकू घाटी को और की कॉफी और काली मिर्च जो है यहां पर इसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोसेस के माध्यम से अपने उगाई जाती है यहां पर कॉफी और काली मिर्च का उत्पादन, ये आंध्र प्रदेश में होगा अरकू वैली। हेल्थ इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जिसकी हेल्थ रिपोर्ट सबसे अच्छी होगी, हेल्थ इंडेक्स 2020-21 कहती है कि केरला इसमें टॉप पर होगा। हाल ही में किस देश की एस्ट्रॉल कंपनी वंदे भारत ट्रेन की यहां पर 100 एल्यूमिनियम बॉडी बनाने वाली है, यानी 100 वंदे भारत ट्रेनों को और बनाया जा रहा है, इसकी एल्यूमिनियम बॉडी जो बनाई जाएगी ये फ्रांस की एल्स्ट्रॉम कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, SAIL के नाम से जो संस्था है हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अमरेंद्र प्रकाश होंगे। हाल ही में RBI ने किस IIT के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन किया, यहां पर वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च कराए किसने, IIT मद्रास ने RBI के साथ मिलकर। बायोगैस परियोजनाओं के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लाया गया है जहां पर आप बायोगैस से रिलेटेड पंजीकरण कर सकते हैं सभी प्रोजेक्ट को लेकर, और इसका नाम होगा गोबर धन। आप जानते हैं बायोगैस जो बनेगी वो इसी तरह से जो वेस्टेज होती है जो मटेरियल है उससे बनाया जाता है, और यहां पर इसका नाम गोवर्धन होगा सर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, महिला यहां पर जो महासचिव बनी है वो है सेलेस्टे साउलो के नाम से, बस याद रखेंगे इंपॉर्टेंट होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो होगी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2025 में कौन सा देश करेगा, तो विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा 2025 में। आई नाम की एक योजना है, उस योजना को यहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नाम की योजना, और आई कहां कहा जाता है सर, महाराष्ट्र में बोला जाता है आई के नाम से, तो हम आई नाम की योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई पर्यटन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बनाए गए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम में, त्रिनिदाद एंड टोबेगो से आते हैं सर ये, डेनिस फ्रांसिस जो होंगे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस साल 2023-24 के एक साल के अध्यक्ष होंगे। भारत का पहला सौर शहर कौन सा होगा जो पूरी तरह से सोलर पर बेस्ड होगा, और ये पहला सोलर शहर कहां पर होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है सर, ये सांची होगा मध्य प्रदेश में सांची। किस देश के एडगर रेंकेविस खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, याद रखना ये एडगर रेंकेविस नाम से हैं, और ये पहले गे प्रेसिडेंट बने ओपनली, तो ये है लातविया देश के नए प्रेसिडेंट का नाम। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस पर वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण के लिए दो योजनाएं लेकर आई गई, एक वेटलैंड को लेकर आई गई है आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए, इसको अमृत धरोवर कहा जाएगा, और एक मैंग्रोव संरक्षण के लिए जिसको यहां पर मिष्टी कहा जाएगा, याद रखना। तो आप कहोगे सर ए और बी दोनों आंसर होंगे, एक होगा मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए और एक होगा वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए आंसर, तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं शुरू की गई है। हाल ही में बिपार जोय नाम का एक आया है, और बिपार जोय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, मैंने आपको बताया ये अरेबियन सी के अंदर जो बिपार जोय पूछा था पूर्वी अरब सागर के अंदर, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है।
स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो हुई है स्पेन के अंदर, ग्रैंड फॉर्मूला वन कार रेस कहते हैं जो एक तरह का स्पोर्ट्स इवेंट है, नीदरलैंड के खिलाड़ी मैक्स वेस्टेपन ने इसको जीत लिया है। सुरीनेम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरीनेम देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है सर, वो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति जी को मिला है। कौन सा राज्य पहला जो कि अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी होने वाला है, जिस राज्य का अपना फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होगा, ऐसी परियोजना कौन सा राज्य कर रहा है सर? केरला कर रहा है, ये ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक रीजनल ऑफिस होगा वो कहां बनाया जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है सर, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के अंदर है बेसिकली, लेकिन इसका एक रीजनल ऑफिस जो होगा वो भारत में दिल्ली में भी बनाया जाएगा, दिल्ली के अंदर। न्यायपालिका के लिए और न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिए सरकार ने एक योजना, एक पोर्टल लॉन्च किया है न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, विकास करने के लिए। इसका नाम होगा न्याय विकास पोर्टल के नाम से, कि न्याय का यानी न्यायपालिका का विकास किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ की लागत से नंद बाबा मिल्क मिशन योजना शुरू की है? तो नंद बाबा मिल्क मिशन योजना कौन सी राज्य सरकार की हो सकती है सर? यह होगी उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा मिल्क योजना। एयर डिफेंडर 2023 जो नाटो का एक एक्सरसाइज होने वाली है, एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा भाई बताओ? एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज जो होगी, तो भाई इसका आयोजन जो किया जाएगा यहां पर वो होगा सर इस बार जर्मनी में होगा एयर डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन। हाल ही में मेडिकाटू परियोजना को लेकर कौन से दो राज्यों के बीच में विवाद है और यह विवाद लगातार रहता है? कावेरी नदी के पानी को लेकर और उसी पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत लंबा विवाद है, कावेरी रिवर के पानी को लेकर। किस राज्य ने FSSI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान मिला है, यानी फूड सेफ्टी रैंक में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है? तो फूड सेफ्टी के मामले में पहला राज्य भी हो जाएगा केरल। हाल ही में भारत के लिए प्रवासी लोगों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो होने वाला है भारत में वो कौन सा हो सकता है मेरे भाई बताइए मुझे? तो प्रवासी लोगों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा होगा? तो भाई याद रखें वो मुंबई होने वाला है सर, भारत में सबसे महंगा शहर प्रवासी लोगों के लिए। किस अंतरिक्ष स्टार्टअप को दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है यहां पर, और ये IIT मद्रास के द्वारा, यहां पर याद रखना, भारत का और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया स्टार्टअप ने, इस स्टार्टअप का नाम है Galaxy और ये स्टार्टअप IIT मद्रास का होगा सर, IIT मद्रास का। हाल ही में अमृत जल क्रांति नाम से एक एक्शन प्लान लाया ताकि यहां पर जो जल की समस्या उसको 50% तक कम किया जा सके, जब अमृत जल क्रांति के तहत जल संसाधन एक्शन प्लान लेकर आया है हरियाणा राज्य। मिस वर्ल्ड 2023 कंपटीशन का आयोजन कहां पर होगा? मिस वर्ल्ड 2023 कंपटीशन का आयोजन जो है इस बार इंडिया में होगा, इंडिया में होगा। किस देश के फ्रेजर द्वीप का नाम बदलकर यहां पर किगारी आइलैंड किया जा रहा है, और आपको बताना है सर ये कहां पर होगा? यहां पर रहने वाली ट्राइबल एरियाज के नाम पर होगा सर, तो फ्रेजर द्वीप का नाम बदलकर अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसे किगारी आइलैंड कहा जाएगा। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी, ये सर कहां पर होगा? जिसका नाम शक्ति होगी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा होने वाली है कहां पर? कर्नाटक राज्य के अंदर। किस राज्य ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एयर प्योरिफायर बसेस चलाने की बात की है यहां पर? तो एयर प्योरिफायर बसेस चलाई जाएंगी कौन से राज्य में ताकि प्रदूषण को कम किया जाए? वेस्ट बंगाल के अंदर। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जनार्दन प्रसाद होंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, यानी एक एडवांस्ड लेवल का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है FSSI द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर।
ये सब याद हो जाएगा एक बार प्रैक्टिस करने से, बार बार पढ़ने से। सर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर कचरा संग्रह करने और उसको अलग करने के लिए एक जागरूकता का अभियान चलाया? यहां पर तो डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया हरियाणा सरकार ने कचरे को अलग करने के लिए। लाडली बहन योजना 2023 कौन से राज्य ने शुरू की है? याद रखना, लाडली बहन योजना, जिसके तहत 1,000 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। JF-22 नाम का दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली विंड टनल बनाई गई है और इसको किस देश की एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बेहतर बनाने के लिए एक विंड टनल बनाई गई JF-22 चाइना के द्वारा, जो कि सबसे शक्तिशाली टनल होने वाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बनाएगा? UIDAI के नाम से अमित अग्रवाल होंगे इसके नए सीईओ के रूप में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीत लिया है? याद रखना, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। सड़कों पर अवैध कचरे की डंपिंग को रोकने की सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा, कौन सी राज्य सरकार ने? कि कोई व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है तो उसकी जानकारी आप दीजिए और इनाम पाइए, ये केरल सरकार ने किया। बीएसएफ के यानी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन होंगे? बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाएगा? नितिन अग्रवाल होंगे बीएसएफ के। हाल ही में किस आईआईटी के लिए, यहां पर कृषि के लिए स्मार्ट बायोडिग्रेबल माइक्रोजेल्स बनाए जाएंगे? तो याद रखना, स्मार्ट बायोडिग्रेबल माइक्रोजेल्स के रूप में विकसित किया जाएगा सर यहां पर आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लागू करने वाला पहला उत्तर पूर्व का राज्य कौन बना है? जम्मू कश्मीर पूरे देश का पहला राज्य था। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां पर रिपोर्ट आएगी गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, और ऐसा करने वाला उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश बना है। आरबीआई का नया सब ऑफिस कहां बनाया गया बताइए? तो आरबीआई का नया रीजनल ऑफिस कहां बनाया गया, उप कार्यालय? तो आरबीआई का एक नया ऑफिस नागालैंड के कोहिमा में। कौन सी राज्य सरकार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने वाली है? याद रखो, तो यहां पर हरियाणा की सरकार ने यह फैसला किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 2025 में इसका आयोजन कहां पर होगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 की मेजबानी जो होगी वो भारत करेगा। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि किसे दी गई है? 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर कौन होंगे? तो याद रखो, शक्तिकांता दास, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है सर, वही होने वाले हैं इसके अंदर। बहुत आराम से कवर हो रही है सारी चीजें, और कुछ सवालों को और देखेंगे हम, आराम से कवर हो जाएंगी सारी चीजें। तब ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार कितने मिलियन लोग अत्यधिक गुलामी में जी रहे हैं यहां पर? यानी लगभग देश में 50 मिलियन लोग ऐसे हैं, 49.6 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन लगभग 50 मिलियन लोग हैं जो आज की आधुनिक गुलामी के अंदर जी रहे हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में, तो यह होगा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT जो कि उड़ीसा के अंदर है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। भारत की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन कहां चलाई गई? तो पहली सीएनजी टॉय ट्रेन जो चलाई गई है वो उदयपुर में चलाई गई। पहली सीएनजी टॉय ट्रेन राजस्थान के उदयपुर में हुई। किस राज्य सरकार ने यहां पर लड़कियों और लड़कियों को ई स्कूटर्स दिए जाएंगे, जो भी 12th में यहां पर टॉप करेंगे तो उनको स्कूटी दी जाएगी, एक तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए जाएंगे? मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है, ये चुनाव का वर्ष है, बिल्कुल याद रखें। युगांडा देश में, जिसकी राजधानी कंपाला है, भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? युगांडा देश में भारत के अगले उच्चायुक्त का नाम होगा उपेंद्र सिंह रावत। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्लाइडिंग छिपकली की नई प्रजाति खोजी है, और ये छिपकली की नई प्रजाति जो है वो कौन से राज्य में मिली है? याद रखना, तो ये एक नई छिपकली की प्रजाति है जो कि मिजोरम राज्य के अंदर मिली है। याद रखें भाई, कहां पर होगी? मिजोरम के अंदर होगी। तो मिजोरम में छिपकली की एक नई प्रजाति को डिस्कवर किया गया है। हाल ही में किस IIT ने कम लागत वाला मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी डिवाइस बनाया है? यानी यहां पर मोबाइल के द्वारा मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है IIT मद्रास के द्वारा, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा किया गया है। सर, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जैन मैरियट को पाकिस्तान की पहली महिला दूत बनाया है किस देश ने? तो पाकिस्तान ने पहली महिला दूत बनाकर भेजा है ब्रिटेन ने, जैन मैरियट नाम से। भारतीय राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण का शुभंकर क्या होगा? जो 37वें खेल होने वाले हैं गोवा में, उसके शुभंकर का नाम मोगा होगा इस बार के लिए। रॉ के नए अध्यक्ष कौन होंगे? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो याद रखो, रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बनाए गए। हाल ही में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया जा रहा है 100 साल पूरे होने पर। गांधी शांति पुरस्कार जो गीता प्रेस को मिलेगा, ये कहां की होगी? तो गीता प्रेस गोरखपुर की होगी, जिसे गांधी शांति पुरस्कार मिलने वाला है। हाल ही में नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहां पर होगा? नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 जो योगा डे पर होगा। मेरे भाई बिल्कुल आराम से कवर कर रहे हैं भाई, एक एक सवाल क्लियर होना चाहिए आपके। सर ये कहां पर होगा? ये भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश में, योगा ओलंपियाड के नाम से। जर्मन शांति पुरस्कार, जर्मन पीस प्राइज 2023 किसे मिला है? जर्मनी का शांति पुरस्कार 2023 का किसे मिला है मेरे दोस्त, बताओ मुझे। तो आप कहोगे जर्मनी ने अपना शांति पुरस्कार एक लेखक है जो सलमान रुश्दी, उन्हें दिया। एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर प्रदान करने के लिए गृह ज्योति स्कीम नाम से योजना शुरू की गई, जिसमें कि मुफ्त बिजली मिलेगी 200 यूनिट तक, और मुफ्त बस सफर भी हो रहा है अभी महिलाओं के लिए कर्नाटक में। हाल ही में श्रीलंका को $700 मिलियन का पैकेज देने वाला देश कौन सा बना है? कौन से संगठन ने श्रीलंका को $700 मिलियन देने की बात कही है, ताकि यहां की समस्याओं को दूर किया जा सके? सर वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा होगा? मध्य यूरोप का पहला देश जो कि समलैंगिक विवाह को यहां पर पास कर रहा है, सर वो एस्टोनिया नाम का देश होगा। इंटरनेशनल योगा डे 2023 की थीम क्या थी? योगा डे 2023 जो जून में मनाया गया इस साल 21 जून को, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम के नाम से इंटरनेशनल योगा डे की थीम रखी गई। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए 3 साल के लिए? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए? तो याद रखो यहां पर स्वामीनाथन जानकी राम आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। कोई बात नहीं है भाई, और कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा भाई यहां पर, एक आध क्वेश्चन आ सकता है भाई यहां पर, लेकिन बाकी क्वेश्चन वहीं से होंगे। हाल ही में किस देश ने ओमिक्रॉन विशिष्ट बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी दी है? ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का एक वेरिएंट है कोविड का, और उसके लिए बूस्टर वैक्सीन जो है वो भारत ने मान्यता दी है कि आप इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं भाई, याद रखें। हाल ही में फिनलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिनलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? याद रखो फिनलैंड देश के नए प्रधानमंत्री, जहां की राजधानी हेलसिंकी है, जो नाटो का नया सदस्य बना है सर, पेट्री ओर्पो के नाम से, जो कि इसके नए अध्यक्ष बने, पहले सना मरीन थी। किस राज्य ने जेलों का नाम बदलकर रिफॉर्म्स होम्स यानी सुधार गृह करने का कहा है, कि यहां पर जेल को अब सुधार गृह कहा जाएगा, रिफॉर्म्स होम्स कहा जाएगा, यह उत्तर प्रदेश में होगा। कौन सा राज्य मोटो जीपी 2023 की पहली दौड़ की मेजबानी करने वाला है? जो मोटो जीपी 2023 होगी उसकी पहली जो रेस होने वाली है वो कौन से कहां पर होगी, याद रखें। तो सर ये मोटो जीपी 2023 की पहली दौड़ जो कि ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, गौतम बुद्ध सर्किट कहते हैं जहां फॉर्मूला 1 रेस होती है वहां पर। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा शहर सबसे रहने योग्य शहर है वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड में सबसे रहने योग्य शहर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। अलीबाबा कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? अलीबाबा कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पर याद रखेंगे सर, अलीबाबा कंपनी के जो नए सीईओ बने हैं वो कौन होंगे भाई? चलिए भाई इसको याद रखेंगे। तो सर हम यहां जानते हैं एंडी जैसी तो अमेजॉन के होंगे, टिम कुक नहीं है यहां पर, लिंडा यकेरिनो जो बनी है वो ट्विटर की बनी है, एडी वू के नाम से अलीबाबा चाइना की कंपनी है बेसिकली। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत अब 135वें स्थान की जगह कौन से स्थान पर होगा, याद रखो। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में अब भारत 127 नंबर पर आ चुका है।
विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां पर होगा? विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो होगा ये कहां बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अंदर विज्ञान, गणित और पर्यावरण को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो यहां पर एक यूटी के द्वारा, यूटी लेवल पर साइंस, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट एग्जीबिशन किया गया 2023 का, ये लद्दाख में किया गया। कहां पर? लद्दाख में किया गया होगा ये एग्जीबिशन साइंस को लेकर। या फिर चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, मेधा रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में बनाई गई है? मेधा नाम की एक कंपनी है बेसिकली, और इसको लेकर एक कोच, रेल कोच फैक्ट्री जो कि एक प्राइवेट कंपनी को बनाया गया है, यह बनाई जा रही है आपके पास हैदराबाद में। हाल ही में ओशियन गेट नाम की एक पनडुब्बी है जो डूब गई, आप जानते हैं, और यह सबमरीन डूब चुका है, और इसके अंदर इसका नाम रखा गया था टाइटन, और आप जानते हैं ये ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन बनाया था जो कि टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जा रहे थे 5 लोग, और ये पूरा क्रैश कर चुका है यहां पर, इसका नाम टाइटन रखा गया था। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा? श्रीनगर में एक बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला। चलिए आगे देखेंगे ध्यान से, अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाल ही में गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? गिफ्ट सिटी कहां पड़ती है? गुजरात की, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, गुजरात गांधीनगर में पड़ती है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हसमुख अधिया के नाम से, भाई याद हो जाएगा बिल्कुल। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023 रिलीज की गई, जिसमें भारत की रैंक क्या होगी? ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 होने वाली है, अब की बार 40 रैंक होगी भारत की, 40वीं रैंक भारत की होगी। भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो होगी जो जिंद जिले में चलाई जाएगी, कहां पर? जिंद से लेकर सोनीपत तक चलाई जाएगी, पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी भारत की जो कि हरियाणा में होगा, जिंद और सोनीपत दोनों। हाल ही में दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बने फोर्ब्स कंपनी के अनुसार विलियम व्हाइट, सबसे प्रभावशाली CMO कौन बने हैं? तो याद रखना विलियम व्हाइट बने हैं सर, और ये विलियम व्हाइट जो होंगे ये किसके? वॉलमार्ट कंपनी के CMO हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO कौन बनाए गए? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के नए MD और CEO रोहित जावा बनाए गए। हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे को कम करने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया यहां पर, ये कौन से देश के द्वारा, राज्य के द्वारा किया गया है ताकि नशीली दवाएं जो है उनका यूज ना हो और लोग उसकी खरीदारी और बिकवाली ना करें? ऑपरेशन कवच शुरू किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि नशीली दवाओं को रोका जा सके, बॉर्डर पर रोका जा सके। हाल ही में किस देश ने AI मॉडल ट्रूथ GPT लॉन्च कराया? यहां पर ट्रूथ GPT लॉन्च करने वाला पहला यानी संस्था कौन सी होने वाली है ट्रूथ GPT के नाम से? तो याद रखना एलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने ट्रूथ GPT यानी आजकल GPT का ही टाइम चल रहा है सर वहां पर होगा। हाल ही में यहां पर अज्ञात निकायों के लिए DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है ताकि जो बॉडीज मिलती है जो अनआइडेंटिफाइड होती है उनका एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा, और ऐसा करने वाला राज्य कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा, अज्ञात बॉडीज को लेकर। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर सचिन एट द रेट 50 नामक एक किताब लिखी गई है किसके द्वारा? सचिन एट द रेट 50 नाम की किताब को लिखा बोरिया मजूमदार ने, बोरिया मजूमदार। हाल ही में अमेरिका की पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनी, और मैंने इनका नाम बताया था, इन्हीं को इमिग्रेंट माइग्रेशन अवार्ड मिला था सर, और ये थी नीली बैंडापुनी के नाम से, इन्हें प्रवासी अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में माइकल डियाज कनेल को चुना गया? यहाँ के नए राष्ट्रपति होंगे ये, और ये किस देश के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं? याद रखो जो माइकल डियाज कनेल होंगे ये क्यूबा के नए राष्ट्रपति, क्यूबा जो कि जिसकी राजधानी हवाना पड़ती है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नए CEO और MD कौन बनाए गए? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर लिमिटेड के नए MD और CMD कह सकते हैं, CEO और MD बनाए गए, उनका नाम क्या होगा?
तो याद रखेंगे सर यहां पर डॉक्टर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं एक्चुअल में इस सवाल में, एक बार चेक करेंगे सर हम इस सवाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NHAI के द्वारा लगभग 10,000 किलोमीटर डिजिटल राजमार्ग बनाए जाएंगे भारत में, ये बात कही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि 2024-25 तक 10,000 किलोमीटर जो है ये डिजिटल हाईवे बना दिए जाएंगे। हाल ही में फैफ थ्रो फायर इस नाम की जो किताब है बेसिकली, इस किताब को फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस देश के क्रिकेटर के द्वारा लॉन्च किया गया भाई मुझे बताइए, राम राम भाई सभी को जल्दी से बताएं मुझे। और आप कहेंगे सर ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है। हाल ही में सत कन्वा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये संतों व मानवतावादी पुरस्कार मिला है सोनम वांगचुक को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दुनिया भर में एनवायरमेंट के लिए भी। जंजीबार और तंजानिया में, जंजीबार तंजानिया में पड़ता है, और ये पहला IIT परिसर बनाया जाएगा इंटरनेशनली, ये IIT मद्रास का होगा। IIT मद्रास का एक जो होगा परिसर यानी कैंपस वो जंजीबार में भी होगा। गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, तो गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन होंगी भाई, यहां पर उनका नाम आप याद रखेंगे तो दीपिका मिश्रा होने वाली हैं, जिनको कि गैलेंट्री अवार्ड मिला है वायुसेना अधिकारी के तौर पर दीपिका मिश्रा होंगी। ये 250 क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए, इससे पहले मैं जनवरी फरवरी और मार्च का रिवीजन आपको करा चुका था इस RYP यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद अप्रैल मई और जून के 3 महीनों का रिवीजन मैंने कराया, 6 महीनों का रिवीजन 2023 का हो चुका आपका। उसके अलावा मैंने आप लोगों को CGL 2023 जो आने वाला है, CHSL 2023 जो आने वाला, उसमें जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के यानी 15 महीनों की करंट अफेयर का सारांश जो एक बार में करा चुका हूं ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ CGL देना है तो 15 महीनों की एक सिंगल वीडियो है हमारे पास, CHSL देना है 15 महीनों की एक सिंगल वीडियो है, और अगर आपको कोई छोटा एग्जाम देना है थोड़ा वेट करना है तो 3-3 महीनों का भी रिविजन कर लीजिए, हर महीने का रिविजन करने के अलावा 3 महीनों का रिविजन। तो चलिए भाई आज के लिए इतना काफी, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सर PDF जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा CareerWheel ऐप पर, फ्री बैच चलता है, आप लोग सभी लोग फ्री बैच ज्वाइन कर लीजिए CareerWheel पर आकर, वहां पर भी मिल जाएगा और साथ में आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए भाई यहां पर याद रखिए, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, मेहनत करें, बार बार करें, कोशिशें लगातार करें, रिजल्ट अच्छा होगा और उस दिन आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।